मुझे ना फिश वीडियोस बनाने में बहुत मजा आता है, बिकॉज मुझे एक मौका मिलता है फिश के बारे में रिसर्च करने का और जानने का या पढ़ने का, होमवर्क करने का, बहुत मजा आता है मुझे। वीडियो बनाने से पहले मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करता हूं ताकि मैं और थोड़ा जान लो उस फिश के बारे में, मैं थोड़ा कुछ जानता हूं और भी इंफॉर्मेशन लो ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले। अगर आप भी फिश खरीदने से पहले जाके थोड़ा इंफॉर्मेशन देखते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं उसके बारे में, तो खरीदने टाइम आप अच्छा क्वालिटी का फिश खरीदेंगे हमेशा। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिश के बारे में बात करने वाले हैं। प्यार से ना उसे प्लांट पिराना कहते हैं, बिकॉज इस फिश का अगर एक झुंड निकलता है नदी में तो उनके सामने जो भी प्लांट आता है खा सकते हैं। अमेजिंग फिश है ना, चलो डिस्कस करते हैं। ये वाला जो फिश है इसको हम शॉप्स में या हॉबी में सिल्वर डॉलर कहते हैं। सिल्वर डॉलर बहुत पॉपुलर फिश है, ऐसा कोई भी कम्युनिटी टैंक नहीं होगा जिसमें सिल्वर डॉलर ना हो। मॉन्स्टर फिश के साथ प्लांटेड एक्वेरियम में कहीं पे भी डाल सकते हैं, एंड महंगा नहीं है, हर एक शॉप में मिलेगा। बट इसके बारे में बहुत कुछ जानने वाली बातें हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं, अब देखो जानो। देखने में सिल्वर डॉलर बहुत यूनिक है, अमेजिंग लुक है, बट ये इकलौता चीज नहीं है टैंक में रखने के लिए। इसका रीजन और भी है, बहुत सिंपल है, इजी टू कीप है, हार्डी है, ज्यादा किटकिट नहीं, नो हेडेक, बहुत इजी फिश, इसलिए बहुत सारे टैंक्स में आप सिल्वर डॉलर देखते हो। एंड बेस्ट पार्ट, इसके जो टैंकमेट्स है ना, लिस्ट लंबा है बॉस, बहुत सारे टैंकमेट्स हो सकते हैं इसके। बहुत ही काइंड ऑफ बहुत प्यार मोहब्बत वाला फिश है, मतलब सबके साथ गुल मिल जाता है। ये वीडियो आप एंड तक देखो, ठीक है, बिकॉज ये जो पॉइंट्स मैं बताने वाला हूं ना, आपको मतलब थोड़ा एनर्जी मिलेगा जाके फटाफट एक सिल्वर डॉलर लेके आने का घर में, बट पूरा वीडियो देखो फिर बाद में जाना, ओके? सिल्वर डॉलर जो है साउथ अमेरिकन फिश है, टेट्रा से रिलेटेड, अगर कहा जाए तो पिराना से रिलेटेड। ये ऐसे जगहों पे मिलते हैं अमेजन रिवर में जहां पे प्लांट्स बहुत हो, वेजिटेशन ज्यादा हो, टॉल प्लांट्स ज्यादा हो। इनका जो टेल शेप और बॉडी शेप ऐसा है कि वो प्लांट्स के बीच में घूम के मतलब आराम से स्विम कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अगर प्लांटेशन डेंस भी हो तो आराम से घूम सकते हैं। फ्लैट है ना, एंजल जैसा ही है बॉडी शेप, बट अमेजिंग फिश। या सिल्वर डॉलर एक्चुअली देखा जाए तो एक वेजिटेरियन फिश है एंड प्लांट ज्यादा खाता है, इसलिए इसको प्लांट पिराना भी कहते हैं, ओके? बिकॉज ये एक वेजिटेरियन फिश है और अगर आप प्लांटेड टैंक में डालोगे तो प्लांट्स खाने वाला है। बट कुदरती इसको अगर प्लांट्स मिलता है, हाइडिंग स्पेस मिलता है, ज्यादा प्लांट्स होता है, तो ये नेचुरली बहुत हेल्थी रहता है, हैप्पी रहता है। एक सिल्वर डॉलर टैंक में अगर स्टोन्स, ड्रिफ्टवुड प्लांट्स अगर हो तो ज्यादा बेहतर है, इसके वजह से, बिकॉज उनको सेफ्टी लगता है, मजा आता है उनको, एंड कुदरत में जैसे बिहेव करते हैं वैसे ही बिहेव करने वाला है, ये जरूरी चीज है। ज्यादातर सिल्वर डॉलर को एम्प्टी टैंक्स में रखते हैं, बड़े बड़े फिश के साथ आराम से रहते हैं, प्रॉब्लमेटिक कुछ नहीं है। जैसे मैंने कहा, हार्डी फिश, नो हेडेक फिश, ठीक है, बट उनको ज्यादा अच्छा लगता है अगर एक डेंसली प्लांटेड टैंक हो। नाउ सिल्वर डॉलर जो है एक टॉप फीडिंग फिश है या मिड से टॉप लेवल फिश है, तो टैंक के बीच और ऊपर ये जगह में ज्यादातर रहते हैं, ज्यादातर नीचे नहीं आना पसंद करते, ये लेवल में रहते हैं। नाउ ये जानकारी है हमारे पास तो इसके टैंक मेट्स जानने के लिए हमें बहुत मदद मिलेगा, देखते रहो, ओके? सिल्वर डॉलर एक 10 साल के आसपास आपके टैंक में रह सकता है, 10 साल, 10 साल।
नो, ये 10 साल से भी ज्यादा रह सकते हैं या कम भी रह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप सही वाटर कंडीशन, सही पीएच, सही फूड अगर खिलाते हो तो ये फिश 10 साल से भी ज्यादा रह सकते हैं। नाउ ये कंप्लीटली आप पे डिपेंडेंट है। तो ये पॉइंट्स जो है अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाला है, टैंक मेट, फूड, सब कुछ देखते रहो, मजा लेते रहो। नाउ सिल्वर डॉलर कैसे दिखता है, यू नो ऑलमोस्ट राउंडिश, ओके, पिराना जैसे ही दिखता है बिकॉज पिराना का रिलेटिव है, रिश्तेदार है, एंड ज्यादातर बॉडी पूरा सिल्वर होता है। थोड़ा बहुत रेडिश आप टेल्स में देख सकते हो या ट्रांसपेरेंट टेल्स होते हैं, बहुत यूनिक होते हैं। नाउ सिल्वर डॉलर के काफी सारे वेराइटीज है, सबको सिल्वर डॉलर ही बोलते हैं हम लोग, बट वेराइटीज कौन कौन से हैं? रेड हुक सिल्वर डॉलर फिश, बिकॉज इसका जो एनल फिन है, जो बॉटम में फिन है, वो हुक जैसा भी दिखता है एंड पूरा लाल होता है, इसलिए रेड हुक सिल्वर डॉलर फिश। स्पॉटेड सिल्वर डॉलर फिश थोड़ा ग्रेइश होता है, सिल्वर से कम, थोड़ा ग्रेइश एंड ब्राउन डॉट्स होता है, ठीक है, इसलिए इसको स्पॉटेड सिल्वर डॉलर फिश बोलते हैं। एंड ऑल्सो इसमें ना टाइगर सिल्वर डॉलर फिश भी है, सिमिलर सिल्वर बॉडी, ठीक है, ऊपर से नीचे थोड़ा ब्लैक लाइंस दिखेंगे, टाइगर सिल्वर डॉलर फिश। ये ज्यादातर इसके वेराइटीज है जो हॉबी में मिलता है, एंड सबका टेम्परमेंट, सबका बिहेवियर सेम होता है, ठीक है, ओनली बिकॉज दे आर फाउंड इन डिफरेंट लोकेशंस, थोड़ा वेरिएशन है, बट फिश मोर ऑर लेस सेम बिहेवियर में होता है। नाउ सिल्वर डॉलर फिश जो है 6 इंच से लेके 8 इंच तक बढ़ सकते हैं, मतलब ये ऐसे भी बढ़ेंगे बट लेंथ मैं बोल रहा हूं, 6 इंच से लेके 8 इंच तक बढ़ सकते हैं, टैंक के हिसाब से, काने के हिसाब से, वाटर पैरामीटर्स के हिसाब से, क्वालिटी ऑफ वाटर के हिसाब से वो बढ़ सकते हैं। सबसे बढ़ने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है खाना, एंड इनको क्या खिलाना चाहिए। नाउ सिल्वर डॉलर फिश का देखभाल करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, सही खाना, सही वाटर, सही टेम्परेचर, सही पीएच, सही फिल्ट्रेशन अगर आपने दे दिया तो वो अपने आप देखभाल कर लेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ओके, बहुत इजी फिश है रखने के लिए, सब कुछ आपके हाथ में है। नाउ सिल्वर डॉलर नेचुरली उनको बड़ा टैंक चाहिए होता है, कम से कम 200 लीटर टैंक, अगर आप 6 से 8 सिल्वर डॉलर रखते हो तो 200 लीटर टैंक, छोटे छोटे बोल, छोटे छोटे टैंक में मत रखो, प्लीज मत रखो। नाउ जनरल कैलकुलेशन या रफ कैलकुलेशन अगर देखा जाए तो एक सिल्वर डॉलर फिश के लिए कम से कम 70-80 लीटर पानी चाहिए होता है, तो ये 200 लीटर पानी में मैं 6 या 8 ज्यादा से ज्यादा रख सकता हूं। टैंक साइज तो देख लिया आपने, ओके, थोड़ा हार्डी फिश होने की वजह से थोड़ा टेम्परेचर्स, थोड़ा पीएच प्लस माइनस अगर हो तो भी वो मैनेज कर लेते हैं। एवरेज 25 से लेके 28 डिग्रीज पानी अगर हो तो अच्छा है। पीएच अगर 6 से लेके 7 के आसपास है, थोड़ा कम भी चलेगा, 5.5, थोड़ा 7.1 7.2 तक भी चलेगा, बट उसके अंदर अगर है तो आराम से रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। नाउ अगर आप वाटर हार्डनेस देखें तो 8 से 15 जीएच, ठीक है, इज बेस्ट। तो इसका मतलब यह है कि नॉर्मल म्युनिसिपल वाटर, थोड़ा बहुत बोर का पानी, थोड़ा बहुत सॉल्टी वाटर, ओके, सब में वो मैनेज कर पाएंगे। अगेन हार्डी फिश है, इंपॉर्टेंट ये है कि सही खाना, साफ पानी, अच्छा फिल्ट्रेशन, गुड स्पेस, मूवमेंट के लिए अच्छा स्पेस होना जरूरी है। नाउ आइडियली सिल्वर डॉलर के लिए टैंक कैसा होना चाहिए, काफी सारा ड्रिफ्टवुड, स्टोन्स, अच्छा है, ठीक है, बट अगर वो डाल भी नहीं सकते तो थोड़ा फ्लोटिंग प्लांट्स या जावा मॉस, ठीक है, या अनुबियस, ऐसे जो हार्डी प्लांट्स है जो यूजुअली सिल्वर डॉलर खाना पसंद नहीं करते, सॉफ्ट प्लांट्स, अगर आप डकवीड वगैरह डालोगे फ्लोटिंग तो खाएंगे, ठीक है, वैलेसनेरिया वगैरह डालेंगे तो खाएंगे, ठीक है, ये सब सॉफ्ट प्लांट्स है तो वो खाएंगे जरूर, ओके, सो आप ये कॉम्बिनेशन देख के डाल सकते हो, उनके लिए अच्छा रहेगा, हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे। अच्छा फिल्ट्रेशन एंड वाटर सर्कुलेशन होना जरूरी है।
आपका बड़ा टैंक है तो अच्छा एक सम फिल्टर या यू नो एक्सटर्नल फिल्टर या हैंग ऑन बैक फिल्टर भी डिपेंडिंग ऑन द साइज, बिकॉज अगर बड़ा टैंक यूज करना है तो एक्सटर्नल या सम बेटर है। एंड मूवमेंट के लिए आप एक छोटा पावर हेड यूज कर सकते हो, उनको थोड़ा फास्ट मूविंग पानी चलता है। नो सिल्वर डॉलर हार्डी फिश है, इजी टू कीप है, वगैरह वगैरह है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमार नहीं पड़ेंगे, पड़ेंगे, और वो भी आपके टैंक के वजह से, आपके केयर के वजह से या आपके केयर ना करने के वजह से। अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस बहुत हाई है तो व्हाइट स्पॉट्स आएगा, अगर पानी गंदा है तो उसको फिन रॉट आएगा, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर फूड ठीक नहीं है, फूड का क्वालिटी ठीक नहीं है, उसको सही खुराक नहीं मिल रहा है, तो देन पॉपाई या कोई और डिजीज आएगा जरूर। कॉमन डिजीज है फंगस बॉडी पे, बिकॉज अगेन बैड वाटर क्वालिटी, एंड यूजुअली कम्युनिटी टैंक्स में बहुत ज्यादा फिश होने की वजह से, बहुत बायोलोड होने की वजह से पानी गंदा होता है, धुंधला होता है, अमोनिया बर्न या ऐसा कोई प्रॉब्लम होने का चांसेस ज्यादा होता है। नाउ बाकी फिश के जैसा ये फिश भी बहुत स्ट्रेस आउट हो सकते हैं। अगर ऐसा कोई फिश है जो इनके एनवायरमेंट में काट रहा है या फिन निप कर रहा है, ऐसा कुछ कर रहा है, तो उनको स्ट्रेस होता है। सो अगेन सही कॉम्बिनेशन ऑफ फिश रखना जरूरी है। सो टैंकमेट्स देखना है ना, बट टैंकमेट से पहले देखते हैं कि इनको खाना क्या देना चाहिए। नो दो सेकेंड के लिए सोचो, क्या आप सिल्वर डॉलर के लिए सही खाना दे रहे हो? नो ऑलरेडी मैंने वीडियो में बोल दिया है कि ये या इनको हम प्लांट पिराना भी बोलते हैं, ज्यादातर प्लांट खाते हैं, ज्यादातर वेजिटेरियन है, और आप क्या खिला रहे हो? जो नॉर्मल कम्युनिटी फिश के लिए दुकान में मिलता है खाना, उसमें प्रोटीन लेवल्स थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपका खाना करेक्ट है क्या? ये आपको देखना है, आपको समझना है। बट उनके लिए सही खुराक है एल्गे वेफर्स, ठीक है, गोल्डफिश फूड, टर्टल फूड, ये आप दे सकते हो, बिकॉज उसमें वेजिटेरियन मैटर ज्यादा होता है। हमारा जो लाइफ आयु का गोल्डफिश फूड इसके लिए आइडियल है, बिकॉज उसमें वेजिटेबल मैटर थोड़ा ज्यादा है, प्रोटीन कम है। यस, ऑल्सो आप इनको पीस दे सकते हो, मतलब छिलका निकाल के, बॉइल्ड पीस छिलका निकाल के, क्यूकुम्बर ब्लांच्ड, पालक, लेटिस अगर गर्म पानी में डुबो के निकालते हैं उसको ब्लांच्ड बोलते हैं, तो ऐसा ब्लांच्ड वो भी दे सकते हो। और अगर आपको एक्सेस है सीवीड का तो सीवीड दे सकते हो, ठीक है, या स्पिरुलिना फ्लेक्स, स्पिरुलिना पेलेट्स, ये सब दे सकते हो, तो ज्यादा वेजिटेबल मैटर। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लड वर्म्स या ब्राइन श्रिम्प नहीं खाएंगे, खाएंगे एक यू नो संडे स्पेशल बिरयानी के जैसा, बट ज्यादातर इनको वेजिटेबल मैटर लगता है, बिकॉज उनका डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा बिल्ट है। नाउ 90% ऑल फिश ओमनिवोरस होते हैं, सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खिलाए उनको, जो ज्यादा हेल्थी रखेगा वैसा खाना खिलाना बेटर है, राइट। नाउ सिल्वर डॉलर्स जो है अग्रेसिव फिश नहीं है, आप उनको ज्यादातर जगड़ते हुए वो सब देखोगे नहीं, अगर ग्रुप में रखोगे या यू नो कोई भी कम्युनिटी टैंक में रखोगे, ज्यादातर आपको दिखेगा नहीं कि वो जगड़ेंगे या अग्रेसिव होंगे या किसी दूसरे फिश को तकलीफ देंगे, ऐसा नहीं है। येट इंपॉर्टेंट चीज, बिकॉज वो टैंक के आधे में रहते हैं, जंप मारने का चांस बहुत है। नाउ फिश क्यों जंप मारते हैं, इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैंने बनाया, आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत अमेजिंग वीडियो है, सिंपल आइडियाज है जो आपका फिश को जंप करने से रोक देगा, ओके देखना। नाउ टैंकमेट्स, सिल्वर डॉलर के टैंकमेट्स का लिस्ट बहुत लंबा है, ऑलमोस्ट जितने भी एक्वेरियम फिश है ऑलमोस्ट वो सब सिल्वर डॉलर के टैंकमेट्स हो सकते हैं। फिर भी आपको मैं बताता हूं, अभी सिल्वर डॉलर को आप गोल्ड फिश, मोलीज थोड़ा बड़ा, छोटा नहीं है, नो गप्पीज, नो टेट्रास, क्यों मैं बताता हूं, देन सिक्लिड्स, ऑस्कर्स, एंड बिकॉज ये टॉप ड्वेलर्स है, नीचे कॉरिडोरस, प्लेकोस, कैटफिश एंड सो मेनी अदर फिशेस, ये सब रख सकते हैं, लेकिन
छोटे मछली मत रखो, नियॉन टेट्रा, छोटे कार्डिनल टेट्रा, छोटे गपीज, बिकॉज ये खा लेते हैं. नाउ अगेन वेजिटेरियन फिश, बट छोटा कुछ मिला तो खाते जरूर है, ओमनिवोरस है. सो ये याद रखो. सो ज्यादातर सिल्वर डॉलर आप मोस्ट फिश के साथ रख सकते हो, आराम से रह लेगा. नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रीडिंग. ब्रीडिंग के बारे में जानना है ना सिल्वर डॉलर. सुनो, अगर ब्रीडिंग देखा जाए तो पहले तो यह समझना है कि मेल फीमेल कैसे डिफरेंस होते हैं. करेक्ट, ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है. ठीक है, बॉडी शेप थोड़ा, फीमेल थोड़ा हट्टी कट्टी रहती है, मेल थोड़ा स्लेंडर रहता है, थोड़ा फिन शेप डिफरेंस होता है. अगर आप ये फोटो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा मेल और फीमेल का डिफरेंस. नो, अगर ब्रीड करना है तो कम से कम 150 200 लीटर टैंक जरूरी है. ठीक है, मेल फीमेल काफी बड़े साइज के होने चाहिए. ठीक है, मैच्योर होना चाहिए, छोटे छोटे में पता नहीं चलता है. एंड ऑफकोर्स पीएच करेक्ट होना चाहिए, हार्डनेस करेक्ट होना चाहिए, वाटर साफ होना चाहिए. मैं बार बार बोलता हूं पानी साफ रखो, सब कुछ हो जाएगा. एंड ऑफकोर्स टॉल ग्रास लाइक प्लांट्स अगर हो, वैलेसनेरिया, हेयर ग्रास वगैरह हो, हेयर ग्रास वो भी टॉल वाला, तो देन उनको लगेगा कि ये नेचुरल एनवायरमेंट है एंड वो अंडा डालेंगे. सॉरी, दोनों अंडा नहीं डालेंगे, फीमेल अंडा डालेगी, मेल उसको फर्टिलाइज करेगा. फर्टिलाइज्ड एग्स जो है वो नीचे गिरते हैं बिकॉज सिल्वर डॉलर्स ये रेंज में घूमते हैं, तो अंडा नीचे गिरता है. पेरेंट्स जो मां बाप है ज्यादा बच्चों के बारे में ध्यान नहीं देते, वो देखभाल नहीं करते. सो अगर टैंक में मॉस है नीचे तो ये अंडे सेफ रहेंगे, दूसरा कोई फिश इसको खाएंगे नहीं. ठीक है, एंड कुछ दिनों में, 4-5 दिनों में अंडे हैच होते हैं एंड उनको लगता है छोटा छोटा ब्राइन श्रिम्प या कोई प्लांटन या क्रस्ट फूड या हमारा लाइफ आयु का बेबी बाइट्स, ये भी बहुत बेबीज के लिए डिजाइन किया हुआ फूड है तो बहुत हेल्थी है, तो ये भी चलता है. ओके, तो ये इसका जनरल ब्रीडिंग पैटर्न है. नाउ ओवरऑल अगर देखा जाए, सिल्वर डॉलर, प्लांट पिराना, वेजिटेरियन फिश, ज्यादातर वेजिटेरियन फिश, ओके, बहुत इजी टू कीप, हार्डी एंड नो हेडेक वाला फिश, बोल सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिटी टैंक वाला फिश, बिकॉज बहुत सारे फिश के साथ ये एडजस्ट हो जाते हैं. सो ये था सिल्वर डॉलर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. नाउ हमेशा ये ध्यान रखो कि दुकान में जाने से पहले थोड़ा होमवर्क करो, अच्छे क्वालिटी का फिश खरीदो. मेक श्योर कि आप एक अच्छे साफ सुथरे दुकान में जाते हो जहां पे टैंक भी अच्छा खासा साफ है, नीट है, फिश हेल्थी है, शाइनिंग है, ये सब देख के आप फिश खरीदो. ठीक है, नाउ मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपने सिल्वर डॉलर के बारे में कुछ ऐसे जानकारी प्राप्त किए जो आप पहले नहीं जानते थे. सो हमेशा की तरह मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम एंड मेरे पूरे टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदाफिज, शबा खैर एंड सत श्री अकाल. बहुत जल्दी मिलते रहेंगे, और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनता रहेगा फिश के बारे में, टैंक्स के बारे में, टैंक्स बनाने के बारे में, ऐसे वाले टैंक्स के बारे में, ऐसे वाले टैंक्स के बारे में. तब तक के लिए बाय बाय.